तो बेसिकली दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा जो AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का कोर्स होता है, क्या सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है एक जॉब के लिए, या क्या AWS में जॉब कैसे मिलेगी, या बिना सर्टिफिकेशन के जॉब नहीं मिल सकती। तो बेसिकली वो सारा कुछ आज इसमें डिस्कस करेंगे AWS क्लाउड के बारे में। अगर आप ये जानना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, इसमें जितना भी कन्फ्यूजन है वो सारा क्लियर होने वाला है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम, आप देख रहे हैं आपका अपना आईडी इंजीनियर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से छोटी सी इंट्रो के बाद। योर सर्टिफिकेशन डोंट प्रूव योर स्किल, योर वर्क प्रूव योर स्किल। तो दोस्तों ये होता है बेसिकली यहाँ पे फंडा। तो मैं बता दूँ कि अगर आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं है तब भी जॉब पॉसिबल है, जॉब आपको मिल सकती है। एंड दोस्तों सर्टिफिकेशन होना कोई ज़रूरी नहीं है, कंपनी इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होती, बिल्कुल इन द सेंस कि 60 से 70-80% मैं बोलूँगा यहाँ पे कि आपके वो सर्टिफिकेशन पे प्रूफ नहीं करती हैं। वो सर्टिफिकेशन के लिए इतना ज़्यादा नहीं होता कि बंदे के पास सर्टिफिकेशन हो तभी हम लेंगे। आप यहाँ पे अपनी स्किल दिखा के भी वहाँ पे जॉब ले सकते हो। अगर आपको चीज़ें पता हैं या सर्टिफिकेट नहीं भी है और आपको अच्छा खासा नॉलेज है तब भी आपको जॉब मिलेगी, सर्टिफिकेट हो ना हो डजंट मैटर। दोस्तों बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो AWS की सर्विसेज हैं वो आप समझने की कोशिश करो, उन्हें अच्छे से पढ़ो, जो उसकी सर्विसेज होती हैं वो सारी अच्छे से आपको आनी चाहिए ताकि अगर आप इंटरव्यू देने जाओ तो वहाँ पे एक बार में वो क्रैक हो जाए। एंड दोस्तों थोड़ा सा जो होता है कि ना एक प्रोजेक्ट पे स्किल दिखाओ, एक अपने आप से कि वहाँ पे प्रोजेक्ट वहाँ पे डेवलप करो और दिखाओ कि हाँ ये मैंने प्रोजेक्ट डेवलप किया। मतलब जो सीधा सा फंडा होता है ना कि कंप्लीट एनी मिनी प्रोजेक्ट दैट प्रूव योर स्किल। एंड दोस्तों अगर आपके पास 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है IT में, यानी कि IT प्रोफाइल में किसी में भी अगर आपका 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे इजीली जॉब मिल जाती है, बहुत ही जल्दी जॉब मिल जाती है, क्योंकि आपका थोड़ा जो बैकग्राउंड होता है वो IT से होता है, चीज़ों की जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, तो वो वहाँ पे जल्दी हो जाता है। यहाँ पे प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी फ्रेशर्स के लिए, क्योंकि वो AWS करते हैं डायरेक्ट, चीज़ें सारी कुछ नई नई लगती हैं, लाइक वहाँ पे जो सर्विसेज हैं या वहाँ पे जो सर्वर्स यूज़ करते हैं तो वो सारी चीज़ें उनके लिए नई होती हैं। लेकिन अगर आप एक IT बैकग्राउंड से हो तो यहाँ पे आपको बहुत जल्दी जॉब मिल सकती है। एंड दोस्तों AWS में जॉब करने के लिए आपको स्मार्टली वर्क करना ही पड़ेगा, यहाँ पे हार्ड वर्क काम नहीं करेगा। हार्ड वर्क उतना काम करेगा जितना आप कि पढ़ सकते हो रह सकते हो, लेकिन हार्डवर्क यहाँ पे इतना काम करेगा कि जितना आप पढ़ सकते हो, लेकिन फाइनली आपको वहाँ पे अगर AWS क्लाउड में जॉब चाहिए होगी तो फिर आपको स्मार्टली वहाँ पे वर्क करना पड़ेगा अगर आपको उसमें जॉब लेनी है तो। दोस्तों यहाँ पे जॉब पाने के लिए आप LinkedIn पे जाके वहाँ पे साइन अप करो एंड इसके बाद वहाँ पे लोगों से कनेक्ट करो एंड आपको जितना एक्सपीरियंस है या AWS में आपको जितनी सर्विसेज आती हैं वो सारी वहाँ पे फिल करो एंड फिल करने के बाद वहाँ पे कि आपके पास जितना एक्सपीरियंस है वो डालो और आपने जो प्रोजेक्ट कम्प्लीट करा उसको एक आप बड़ी सी टैग लाइन दो, यानी कि वो जब भी अगर कोई बंदा कनेक्ट होना चाहे तो वहाँ पे वो आपका होना चाहिए कि हाँ मैंने इस पे प्रोजेक्ट पे काम करा हुआ है। एंड उसमें लोगों को से कनेक्ट करने की कोशिश करो, या मतलब कि 1-to-1 वहाँ पे कनेक्ट करो लोगों से, क्योंकि ऐसी जॉब्स ही LinkedIn वगैरह पे बहुत जल्दी मिल जाती हैं। एंड दोस्तों जब भी आप लोग वहाँ पे LinkedIn पे अपना प्रोफाइल बना रहे हो तो एक प्रोफेशनल तरीके से वहाँ पे सारी चीज़ें होनी चाहिए, फॉर्मल चीज़ें होनी चाहिए, लाइक स्टडी से रिलेटेड सारा ग्रेजुएशन एक्सपीरियंस लेटर और आपने AWS में सर्विसेज, यानी कि जितनी भी सारी हैं सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए विद रिज्यूमे। अगर वहाँ पे आप रिज्यूमे की कुछ चीज़ें मेंशन कर पाओ तो वो और भी ज़्यादा वहाँ पे आपके लिए एक एडवांटेज और बेनिफिट ऐड करा देती हैं। तो दोस्तों बेसिकली यही है, और यहाँ पे आप अपना प्रोजेक्ट वगैरह मेंशन करके यहाँ से जॉब बहुत जल्दी इजीली मिल जाती है, क्योंकि AWS क्लाउड एक ऐसा फील्ड है जो आने वाले दिनों में बहुत अच्छा ग्रो करने वाला है। 90% कंपनी आपकी ये क्लाउड पे सारी मूव हो रही हैं, जिसमें AWS अभी आगे चल रहा है बाकी क्लाउड से, जो बाकी क्लाउड्स हैं ना, अलीबाबा हो गया, गूगल हो गया, या माइक्रोसॉफ्ट का Azure हो गया, जितने भी क्लाउड्स हैं बेसिकली, तो वो उन सब में अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है AWS। दैट इज़ द रीज़न कि ये सबसे आगे चल रहा है और ज़्यादातर कंपनी इसी को प्रेफर कर रही है। अगर आपने VMware वगैरह भी पढ़ा हुआ तो एक अलग से एडवांटेज यहाँ पे बेनिफिट होगा AWS क्लाउड में, आपको बहुत ही जल्दी इजीली जॉब मिल जाएगी। आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें एंड अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को नीचे रेड कलर का बटन दे रहा हूँ वहाँ पे क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए ताकि मैं अगर कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो वो मिस ना हो। इसके बाद भी अगर आपको कमेंट्स है कोई नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर आपको ऑनस्पॉट आंसर चाहिए तो इंस्टाग्राम के आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे मुझे फॉलो करके मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो, वहाँ पे मैं ऑनस्पॉट आंसर दे देता हूँ। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।
थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जय हिंद, जय भारत।